कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता, अगर किसी के साथ कोई जानवर को कोई हादसा हो जाता है सारे जानवर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। हाय गाइस, दैट्स अ न्यू वीडियो। गाइस, अगस्ता चौहान आंटी इज वेरी एंग्री विथ आमिर माजिद एंड सी ऑल्सो बिकेम वेरी इमोशनल। लेट्स सी द वीडियो व्हाट हिज आंटी एंड फादर टोल्ड। लेट्स वॉच। झूठे झूठे वीडियो बना रहा है मेरे बच्चे के लिए, कह रहा है कि वो वहाँ गिर गया, हम आगे निकल गए, हम पीछे निकल गए, हमने उसको देखा नहीं, हम टोल टैक्स पे पहुंच गए। सुन रहा है तू कहीं मेरी आवाज़? तू जिस वीडियो में तू ये कह रहा है कि पीछे अगस्त का एक्सीडेंट हो गया, तू वापस नहीं जा सकता था? तू मैं कह रही हमारा अगस्त खुद गिर गया, मैं ये भी कह रही उसकी स्पीड थी, मैं सब कुछ कह रही, मैं अपने मन से कह रही, मैं कह रही 400 स्पीड थी मेरे बच्चे की, तू उसको छोड़ के भाग गया। खड़ा रहता वहां पर मेरा भाई, वहां पहुंचता कहता अंकल अगस्त को ऐसा ऐसा हो गया, हम सब्र करते। हमारे घर में आया तू, नमक हरामी करी तूने, खा के गया यहाँ पर मेरे भाई के हाथ से, उसके बच्चे को छीन के ले गया तू। जिस तरह से मैं रो रही हूँ, मेरा परिवार रो रहा है, उसकी मां रो रही है, उसके बाप रो रहा है। पता लगा कि भैया ही इज नो मोर, तुम्हारी तो दुनिया ही बदल गई उसमें। ये फिर मैंने इनके नंबरों पर कॉल करी तो सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे, और एक गलती से एक ने फोन उठाया जिसका नाम आमिर माजिद है, वो कह रहा मैं दिल्ली में हूँ, मुझे होटल हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, जो उसके साथ बाइक चला रहा था उसे हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, बड़ा हमें मिल गया जो हम मेरठ से जाए। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या बात होगी, कह रहे कोई बात नहीं छोटी सी एक्सीडेंट है, पुलिस है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी लोकेशन डाली, तो हमारे यहाँ से जब मैं रास्ते में था तो वहाँ से करीबन 2 घंटे दिखा रहा था। तो फिर जब ऐसा सुना कि ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने मुझे कुछ जानकारी नहीं दी, बस फिर लोकेशन जो उन्होंने भेजी मैं उस पर फिर वहाँ टप्पल में पहुँच गया, जो वहाँ से करीबन 100 या 150 के आसपास किलोमीटर था। फिर जब उनसे पता लगा कि भैया ही इज नो मोर, तुम्हारी तो दुनिया ही बदल गई उसमें। अब आपको क्या लग रहा है कि अगस्त की मौत कैसे हुई, क्या चीजें आपके सामने आई हैं? मैं ज्यादातर मोबाइल तो मैं इस समय यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो उसके फ्रेंड है, उसके प्यार करने वाले हैं, उन सबका यही कहना है कि अंकल ये 5 राइडर थे जो एक साथ दिल्ली से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के साथ निकले, और पुलिस भी ये कह रही है कि 9:30 से 10 बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ है जेवर के आस। 3 तारीख को। तो उसमें सिस्टम ये समझ नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट 9:30 बजे हुआ। पुलिस वालों का फोन मुझे करीबन 12 बजे के आसपास मेरे टोल पे आता है, ये लोग मेरे को फोन कर रहे हैं 1 बजे, यानी 3-3.5 घंटे के बाद कि अगस्त का एक्सीडेंट हो गया। तो ये 3.5 घंटे कर क्या रहे थे? ये फिर मैंने इनके नंबरों पर कॉल करी तो सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे, और एक गलती से एक ने फोन उठाया जिसका नाम आमिर माजिद है, वो कह रहा मैं दिल्ली में हूँ, मुझे होटल हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, जो उसके साथ बाइक चला रहा था उसे हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, बड़ा हमें मिल गया जो हम मेरठ से जाए, और जो उससे साथ चल रहा था उसे हॉस्पिटल ही नहीं मिला। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन को हमने पुलिस को बोला है, तो देखते हैं वो आगे इसके बारे में क्या बताते हैं। ये बातें कहां से आई कि आपने पुलिस से पूछा कि 300 के ऊपर अगस्त चौहान गाड़ी चला रहे थे, और कई तरीके के इसमें वीडियोस आए हैं सामने जिसमें बताया जा रहा है कि अगस्त चौहान काफी तेज बाइकिंग कर रहे थे, उस वजह से इनकी मौत हुई, तो पुलिस से आपने इस बारे में बातचीत करी कि ये सब चीजें कहां से आ रही? देखिए मैं खुद भी एक राइडर हूं, मैं बचपन से सुपर बाइक चला रहा हूं, मैं खुद भी चला रहा हूं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, 300 किलोमीटर पर आवर के एक्सीडेंट हमने खुद देखे हैं, जिसमें हमने गाड़ी को इंजन अलग होता है, चेसिस अलग होता है, उस बंदे के भी कई टुकड़े होते हैं, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस देखा है, मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ, 300 का एक्सीडेंट मुझे पता है। मेरे बेटे के शरीर पर सर को छोड़ के नीचे जींस थी, शूज थे, जैकेट पहनी हुई थी, एक सिंगल स्क्रैच नहीं था, ये पीएम की रिपोर्ट में भी आ गया। हेड इंजरी उसे हुई है जो इम्पैक्ट है, अब ये वो पीएम ने की जो रिपोर्ट है अभी वो क्लियर नहीं हुई है कि इम्पैक्ट किस चीज का है, किसी गाड़ी के टायर ऊपर रेन ओवर हुआ है, या किसी पिलर से लगा है, किसी डिवाइडर से लगा है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में आएगा। उसके शरीर पे कोई चोट नहीं है। आप क्या ये कह रहे हैं कि अगस्त की हत्या हुई है? और जहां तक मैं आपको कह दूं, मैं इतना जरूर मानता हूं कि गाड़ी 100, 120, 130 पे हो सकता है, लेकिन 300 का ही एक्सीडेंट नहीं है। मेरा शक इसलिए जा रहा है कि जो राइडर इसके साथ में थे वो 3.5 घंटे बाद मुझे क्यों बता रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो वहां से भाग गए। अगर आप किसी के साथ राइड कर रहे हैं, किसी को चोट लगेगी तो आप तो उसके साथ ही रहोगे, चाहे उसको कुछ भी बात हो, डेथ हो गई, चोट लगी, हॉस्पिटल ले जाओ कहीं, ये वहां से भाग गए सारे राइडर,
ये कुछ मुझे सस्पिशियस लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो, गाड़ी रैम करी या इन्होंने कट मार दिया, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी हमने वहां पर सीओ एसएचओ को टप्पल को लेटर लिखा है कि उनके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जा रही है, कौन कितने बजे कैसे निकला वो तो फिर पुलिस। जहां तक शक की बात है तो शक तो रहेगी। तो आप ये शक कर रहे हैं कि अगस्त की हत्या हुई है, ये नॉर्मल डेथ नहीं है? ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक हिट एंड रन का केस है। ये डिवाइडर की बात बाद में, जितने लोग है उतनी महंगा। किसी ने पिक्चर देखी उसे समझ नहीं आएगा, बेकार पिक्चर। किसी को विलन पसंद आता है, किसी को हीरो पसंद आता है, सबके अपने अपनी मनगणना है कुछ। आप खुद एक आर्म रेसलिंग चैंपियन है और अगस्त भी आर्म रेसलिंग चैंपियन थे, लेकिन अगस्त की इमेज जो थी देहरादून में इस तरह से बनी कि वो एक स्टंट राइडर है, रैश ड्राइविंग करता है। उत्तराखंड पुलिस ने भी एक वीडियो डाला जिसमें अगस्त माफी मांगते हुए दिख रहा है। तो अगस्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अगस्त के बारे में बातें चल रही है, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म में छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आज से 3 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई। शी वॉज ओल्ड 85 प्लस थी, तो घर में माहौल था। तो इस दौरान मेरा पैर फिसल गया, तो मेरे चेस्ट पे चोट लग गई थी, तो मेरे को मेरे फैमिली वाले आई मतलब मैक्स हॉस्पिटल ले गए। तो वो मेरे को आईसीयू में भर्ती कर रहे थे, या उनको हम एक दो दिन आईसीयू में रखते हैं। उसी दौरान आईपीएस कोंडे जो सीओ ट्रैफिक है, उनका फोन आया, बेटा बगल में था, कि आप यहाँ जाओ ट्रैफिक पे, हमें सुपर बाइक के बारे में जानकारी दो कि लोग हमें मामू बना के। आपके पास आया? हाँ जी। आपके पास? मेरे बेटे के पास, उनको जानता था। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा फादर आईसीयू में जा रहे हैं, तो मैं अभी नहीं आ सकता, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। तो उन्होंने अगस्त को ना बुला करके फिर UK07 राइडर को बुलाया, जिसने वहां पर अपनी स्टॉक बाइक ले जा करके अपने को साइलेंट दिखा करके ये बोल दिया कि ये रैश ड्राइविंग करते हैं, लड़कियों को टीज करते हैं, बच्चों को चिढ़ाते हैं। ये उसने कंप्लेंट बोलना नहीं चाहा उसे, लेकिन उन्हें बोल दिया क्योंकि उभरता हुआ यूट्यूबर था वो, और फैन फॉलोइंग किसी की ज्यादा हो कम वो मायने नहीं, प्यार कौन करता है, पब्लिक करती है। पब्लिक की तरफ से आज तक अगस्त के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सब प्यार करते हैं। तो उसने अगस्त के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि लड़कियों को छेड़ता है। आप इमेजिन करेंगे, मेरी बेटी की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, सोचिए। वो इतना डेडिकेशन था अपने आर्म रेसलिंग पे और अपना ये बाइक पे, उसने 12 कुछ राइडर्स का नाम लिया था जो एक लिस्ट जारी हुई थी, उसमें और अगस्त ने SP कोंडे को मना कर दिया था आने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से कुछ उनको फ्रेम किया हो? थोड़ा ये भी है कि वो यहाँ पुलिस एक्चुअली क्या कर रही थी, पुलिस क्या करती है यहाँ पर देहरादून की पुलिस, ये सुपर बाइक को रोकती है, उनके एग्जॉस्ट तोड़ देती है, उनकी गाड़ी सीज कर देती है, उनका चालान काट देती है, तीनों में से तीनों चीजें करती है। इसलिए लोग देहरादून छोड़ के जो बाइकर्स हैं सब दिल्ली बॉम्बे जगह जगह जा रहे हैं। अगर वहां वो तेज चलाते हैं सिर्फ उनका पुलिस वहां चालान काटती है, उनका साइलेंसर नहीं तोड़ती। इसलिए सारे बाइकर माइंड में लगा रहे कि हमारी देहरादून की पुलिस बेकार है। यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 बजे तक की मिली है। ये उन सब के लिए था जो लोग कह रहे थे कि भाई तुमने वहां पे ज़ूम किया। आर्टिकल आया है इसमें देखो लिखा हुआ है, पुलिस के अनुसार दुर्घटना की सूचना जो है हाईवे पेट्रोलिंग टीम को 9:58 पे मिल गई थी, 10:02 बाकी है। यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 बजे तक की मिली है, मतलब 9:45 तक की रिकॉर्डिंग उसमें है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर ने जो मेरे पास कॉल की है वो 9:55 और 9:56 पे करी हुई है, मतलब 9:45 पे रिकॉर्डिंग बंद हुई। उसके 1-2 मिनट बाद अगर क्रैश हुआ होगा तो जो भी हुआ सपोज मान लेते हैं 9:47, उसके बाद आमिर जो है उसने हिरॉक को कॉल करी, 1-2 मिनट और मान लेते हैं, ठीक है तो 50 के आसपास चलो ले चलते हैं। हिरॉक ने कॉल की जाहिर को, 1 मिनट और मान लेते हैं, तुरंत कॉल की होगी तो 1 मिनट का डिफरेंस तो लग ही जाता है। 1 मिनट के बाद जाहिर ने मुझे कॉल की, मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई, 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है, समझिएगा आप। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो 9:46 से लेके 9:51 के बीच में ही हुआ है, सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, तभी उसने बताया, ठीक है 5 मिनट का डिफरेंस में। उसने क्या कहा है वीडियो में कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था। हाँ वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया भाई। तो कैसा है अभी वो? अबे
मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल के था, बहुत ज्यादा आगे आ गया। FIR लिखी गई थी कि डेंजरसली ड्राइव कर रहे हैं और पब्लिक को, अन्य लोगों को हार्म पहुंचा सकते हैं। काउंसलिंग की गई, एक दो बार नहीं, पांच पांच बार उनकी काउंसलिंग की गई। और उसमें फिर सुधार नहीं आने पर हमने यूट्यूब को भी लिखा है कि चैनल बंद हो जाए, क्योंकि ये सब सब्सक्राइबर्स की ओढ़ में हो रहा है या एक जोश में हो रहा है। तो इस तरीके की कार्रवाई हमारे द्वारा करती रहती है। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और इसी इंसिडेंट को बेस रखते हुए हमने जो जनवरी और फरवरी में अभियान के तहत इसमें कार्रवाई की गई थी। यू ऑल वॉच्ड एवरीथिंग, आफ्टर वॉचिंग दिस आई जस्ट स्पीचलेस। दिस टाइम अगस्ता चौहान आंटी इज वेरी एंग्री एंड वी ऑल्सो वॉच हिज फादर इंटरव्यू टू। आई कैन नॉट टोल्ड यू दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, सम वर्ड्स सम एक्टिविटीज ट्रांड मी इमोशनल एंड यू टू। व्हेन वी वॉच सूरज भाई वीडियो, ही ऑल्सो टोल्ड मी एंड अगस्ता'स फादर ऑल्सो टोल्ड सेम थिंग्स एंड मेनी यूट्यूबर्स ऑल्सो टोल्ड सेम थिंग्स दैट व्हेन द एक्सीडेंट हैपन इन दैट टाइम अगस्ता'स बाइक हैज बीन वॉश्ड इन आमिर माजिद्स mirror, bike's mirror, and he was driving approx 120 km per hour. Amit Bajaj's meter video, I think all you all watched already. Suraj Bo told same thing also, that why Amir Majid told that he was too far from Agusta Pro, but he was at same place, then why he told? Why Amir Majid told wrong? Just reply. Some people told that Amir Bo don't want to stop his bike intentionally. Accident happened at 9:45 a.m. Then why his parents has been informed 1 p.m. at noon? Why? Too many gossips that previous day Amir Majid take out his hotel and went at night to an unknown place. No one known that where he was. He was totally out of station, out of reach. If you watch Suraj Bro's video, then you understand everything in proper way. His cousin directly blamed him for his brother's accident. That he was cold, it was cold-blooded murder, not accident. It was pre-planned murder. But we have no 100% perfect evidence that Amir Bo is guilty. We have no proper evidence, but Amir Bo don't pick anyone's call, or no one knows that where he was. Even many YouTubers also contact to him, but he no replied. No one knows that where he was. Agusta's full family blamed on Amir. His sister also blamed him. His sisters also tried to call and connect him, but he just avoided. He replying, I will come tomorrow, after tomorrow or tomorrow. What is this? Why? Some things also happened with his family. Same things told his family. I don't know anything, but if Amir Majid must come to Dehradun, then all will be okay. But he not come, so all allegation go through Amir Majid. But I or we cannot point out anyone. But I or we cannot point out anyone if there was any perfect evidence against him. But what is your opinion? After seeing this, please comment. What do you think, guys? What was happening that day in that spot? What about Amir Bo? And one important thing, those who thought that camera was found, but it was wrong information. Insta360 not found, and GoPro 9, which was bound in camera mount, also not found. GoPro 9
which was bound in helmet also not found. Please comments what you think about. I have collected all these things, all this footage from internet. If anything wrong, then please forgive me. I again told you, please forgive me if anything wrong.